बेगूसराय की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग का उद्भेदन करते हुए चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिला निवासी अमर कुमार इस गैंग का सरगना है, जो बलिया में रहकर बाइक चोरी की गैंग को ऑपरेट कर रहा था। वही बाइक चोर गैंग का मुख्य काम था कि कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक और व्यक्तिगत जगहों से बाइक की चोरी करना और फिर उसे अपराधी गिरोह के हाथों बेचना, जिसके बाद अपराधी गिरोह अपने ज़रूरत के हिसाब से बाइक खरीदकर हत्या, लूट, रंगदारी, शराब, स्मगलिंग आदि घटनाओं में उसका उपयोग करते थे। नीति सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। अंतर जिला एक चोरी करने वाले मोटरसाइकिल चोरी करने वाले पेशेवर गैंग की गिरफ्तारी हुई है। 10 मोटरसाइकिलें चोरी की बेगूसराय पुलिस ने कल बरामद की है। कल बेगूसराय में करीब 25 विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई थी, उसके बाद ये 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। 6 पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अमर कुमार है, ये रहने वाला तो मुंगेर का है, लेकिन हमारे यहाँ जो बलिया थाना अंतर्गत ये काफ़ी दिनों से रह रहा था, जेल से छूटने के बाद बेल पे, और वहाँ से ये कई लड़कों के साथ मिलकर गैंग चला रहा था। इनका मेन काम यह था कि कोर्ट के सामने, बस स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, मॉल के सामने, हॉस्पिटल के सामने से मोटरसाइकिल चोरी करना। ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद ऐसे क्रिमिनल गैंग्स जिनको लूट करना है, डकैती करना है, मर्डर करना है या फिर शराब के धंधे में इस्तेमाल करना है, वो लोग इनको व्हाट्सएप पर संपर्क करते थे। वो बताते थे हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है मोटरसाइकिल, और ये लोग अपनी फ़ोटो भेजते थे कि देखिए हमारे पास इतनी मोटरसाइकिल चोरी की हैं, आपको कौन सी चाहिए, और उसी प्रकार से पैसों का ट्रांजेक्शन होता था। तो कल जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे जब हमने पूछताछ की, उसमें पहले तो 2 मोटरसाइकिल इनके घर पे मिली, फिर जब और कड़ाई से इनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपने साथियों का नाम बताया, उनके घरों पे पुलिस ने दबिश डाली तो वहाँ से मोटरसाइकिल मिली, और कुछ मोटरसाइकिल तो कल हम लोग ने गैराज, जो कबाड़ी वाले हैं गैराज वाले, उनके यहाँ मोटरसाइकिल बरामद की, और उन मोटरसाइकिल को गैस कटर से काटने ही ये लोग जा रहे थे कि पुलिस ने धर दबोचा समय दे। मैं आपको बताऊं कि अमर कुमार पे करीब 3 मामले दर्ज हैं, जो कि लूट के हैं, गोली चलाने के हैं, आम सेक्ट के हैं, और दूसरा व्यक्ति श्रवण कुमार जो उसका सगा भाई है, उसमें भी आपराधिक मामला दर्ज है आम सेक्ट का, अभियुक्त विशाल पे भी है, राजा पे भी है। 6 में से करीब 4 लोगों पे पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो गैंग है, ये मोटरसाइकिलें काटने के बाद, या जो इनके ग्राहक हैं वो मुंगेर में भी हैं, खगड़िया में भी हैं, और जो हमारा बेगूसराय जिला भी था, समस्तीपुर भी था, तो आसपास के करीब 6 जिले ऐसे थे जहां पर कि ये लोग मोटरसाइकिल वहां चुराना, वहां बेचने का काम कर रहे थे। ये बात हम लोग को इनके जो व्हाट्सएप के अकाउंट्स हैं उसको खंगालने में पता चली है। तो निश्चित मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये गैंग गिरफ्तार नहीं होता समय पे, तो ये जितनी भी मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की हैं, ये कहीं ना कहीं शराब के धंधे में, मर्डर करने में, लूट डकैती में आने वाले दिनों में इस्तेमाल होती, और हमारे ये जो आसपास के 4-5 जिले हैं, सभी जगह क्राइम की बड़ी घटनाओं को इनसे अंजाम दिया जा सकता। उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। कल खोदावनपुर थाना क्षेत्र में रात को गश्ती गाड़ी अपना काम कर रही थी, उसमें 2 लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे, दोनों को तुरंत पकड़ा गया, उनके बाद तलाशी ली गई, तो उनके पास से 2 देसी कट्टा मिला है, 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पता चला है कि चोरी की थी, तो उसको भी जब्त किया गया है, और दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में ये पता चला है कि रात को ये लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन साथ समय इनकी गिरफ्तारी से एक बड़ी घटना उस क्षेत्र में टल गई। 2 दिन पहले मटियानी में एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया था, गंभीर रूप से वो घायल हो गया था, हालांकि इलाज हो रहा है अभी उसका, तो उसमें 2 लोगों पे नामजद FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से एक अभियुक्त अवधेश कुमार की गिरफ्तारी पुलिस ने 2 दिनों के अंदर कर ली है। इसके पास से हथियार, जो घटना में कट्टा इसने यूज़ किया था हथियार, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है, 2 गोलियाँ भी पकड़ी गई हैं।